नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं और लेखक हैं। और बांग्लादेश में जिस तरीके से कदर मची हुई है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट, उनको मारना और तमाम जितनी भी प्रताड़ना है उनको दी जा रही है। चिनमय कृष्णदास जो महाराज हैं उनकी गिरफ्तारी, उसके बाद जो आग है वो और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। अब शेख हसीना ने इस पर बयान दिया है और मोहम्मद यूनिस सरकार को चेता दिया है, कहा है उन्हें जल्द ही रिहा किया जाए। निपुण जी, शेख हसीना जी भी अब पीछे नहीं है, उन्होंने भी बयान दे दिया है। हाँ नहीं, शेख हसीना तो देखिए क्या ना, बीच बीच उनके बयान आते भी रहे हैं और जिस प्रकार का एक माहौल देख रहे हैं अगेंस्ट ऑफ यूनुस गवर्नमेंट बन रहा है, खासतौर से हम देखें कि भाई अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था, फिर हम देखें तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठा, भारत की ओर से भी काफ़ी सख्त रवैया धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। आज मैं देख रहा था कि ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि इस मसले में हम जो हैं केंद्र सरकार के साथ में खड़े हैं, तो एक अच्छा खासा जो दबाव होना चाहिए वो दबाव जो है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट पर जरूर पड़ रहा होगा और उसी में शेख हसीना ने कहा इस बात को। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल हिंदू के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, अहमदिया हैं, उनके लेकर भी कहा कि उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, एट्रोसिटीज हो रही हैं। हम देखें तो चिटगांव का उन्होंने नाम स्पेशली लिया, कहा कि वहाँ के मंदिर काफ़ी सारे नष्ट कर दिए गए हैं। तो यह दिख रहा है कि शेख हसीना जो हैं अभी भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं और इसी एक्टिवनेस को देखते हुए आप देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस जो हैं ICC के थ्रू दबाव डालने का कार्य जो है वो भारत सरकार पर करना चाह रहे हैं कि शेख हसीना जो हैं क्रिमिनल हैं, उनको आपने यहाँ पे रखा हुआ है और वहाँ से एक रेड कॉलर नोटिस जारी कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं लगातार। अभी मैं देख रहा हूँ कि ICC के जो एक अधिकारी हैं उनकी मुलाकात भी हुई है बांग्लादेश के एक अधिकारी के साथ में और तमाम तरह का जिस प्रकार का भी मतलब सुनने में ये आ रहा है मीडिया की रिपोर्ट के थ्रू कि मोहम्मद यूनुस को ये कहा गया है कि आपका ICC पूरा सपोर्ट करेगा, आप अपने यहाँ पर क्या कहीं फॉर्मल जो करते हैं कि जो एक इन्विटेशन होता है, फॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसका स्टार्ट कीजिए, उसके बदले हम आपको क्या करेंगे भारत पे एक दबाव डालेंगे ताकि शेख हसीना को जो है वो एक्सट्रेडिशन किया जा सके। तो बात यह कि शेख हसीना की जो एक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को क्या करती है, परेशान जरूर करती है। और देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए जो महिला इतने वर्षों तक 2006 से लेकर 2024 तक लगातार देखें तो चौथा कार्यकाल उनका शुरू हुआ था ये, और देखें तो पांचवी बार OPM वहां पर बनी थी और एक पार्टी को लीड करती थी। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार का जब इस प्रकार का एक पूरा राजनीतिक रूप से काफी नियंत्रण रहा हो किसी एक पार्टी का, और अवामी लीग तो वो पार्टी है जो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बनाई गई थी, तो जो अवामी लीग ने जो सेकुलर फैब्रिक बनाया था बांग्लादेश का, आज उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास हो रहा है पूरी तरीके से, मान के चल वो पूरा हाँ दोस्त हो चुका है। अब क्या है कि अब वहां पे इलेक्शन अगर करते हैं और इलेक्शन की देखिए अभी तक कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के बारे में बार बार ये कह रहा हूँ, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि मैं मोहम्मद यूनुस को क्या कहूँ। मोहम्मद यूनुस को मैं कहूँ कि इलेक्टिक ये भी नहीं है कि इलेक्शन से आप क्या आए हैं, एक डेमोक्रेटिक लीडर ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं करवा रहे अपने आप को कि मैं एक कार्यवाहक सरकार चला रहा हूँ, ये भी वो नहीं बोल रहे हैं, वो ये तक नहीं बोल रहे हैं कि मैं एक एंट्रीम गवर्नमेंट चला रहा हूँ, ये तक नहीं बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि नई सरकार को चुने जाने के लिए हम एक एडवाइजर है, सलाहकार है, नए तरह का पद है, नई तरह की बातें हैं। इलेक्शन को लेकर जो दूसरी वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है BNP, वो भी लगातार दबाव डाल रही है कि आप चुनाव कराइए चुनाव कराइए, अवामी लीग को वो रैली प्रोटेस्ट करने तक की परमिशन नहीं देते हैं, इनको फासिस्ट पावर कह दिया जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार से बांग्लादेश को एक अंधेरे में धकेलने का कार्य अब तक मैं ये बात भी समझ नहीं पा रहा हूँ चेतन जी कि जो प्रभाव डाला जा रहा है, जो दबाव डाला जा रहा है कि इसके ऊपर आपका तमाम तरह की चीज़ों का जो परिवर्तन किया जा रहा है, इससे बांग्लादेश को मिलने वाला क्या है, मैं अब तक ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ये पाकिस्तान के साथ बेटर रिलेशन बना रहे हैं तो पाकिस्तान से बेटर रिलेशन बना के इनको मिल क्या जाएगा, एक बर्बाद की क्या स्थिति है। देखिए BNP ये चाहती है कि वहां पर चुनाव हो, अवामी लीग के जो लोग हैं वो चाहते हैं वहां पर चुनाव हो, मोहम्मद यूनुस चुनाव होने देना नहीं चाहते,
कट्टरपंथियों के इशारे पर वो चल रहे हैं, कट्टरपंथियों की सरकार एक तरीके से कहें कि चल रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अब वहां पर जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, जो सरकार वहां पर नहीं चुनी जाती है, तब तक तो यही हालात बने रहेंगे और ज्यादा खराब होते चले जाएंगे दिन ब दिन। देखिए, मैं आपने कहा कि कट्टरपंथियों सरकार, बिल्कुल सही बात है। मैं कहूंगा ये कट्टरपंथियों का नया तरीका है, लिबरल फेस को आगे करके चलाओ अपने आप, और एक तरीके से मैं इसको मिलिट्री कूप और रेडिकली कंट्रोल में इसको कहूंगा कि वहां पे ये आपका सैनिक तख्ता पलट हुआ है और जिसको रेडिकल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर कि चुनाव की स्थिति देखिए, अभी वर्तमान में तो मुझे नहीं दिखता कि एक दो महीना कुछ होने वाला है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद देखते हैं कि शायद कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि मैं लगातार इस बात को भी बोल रहा हूँ कि जैसे अभी हम देख रहे हैं जो इस्कॉन के जो साधु हैं, मोंक हैं, चिन्मय कृष्णदास, उनको भी जो अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर भी जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, हालांकि इस्कॉन ने, आप देखा होगा, इस्कॉन ने उनके बयानों से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन फिर भी, लेकिन मोंक एक साधु हैं, उनके समर्थन में काफी लोग वहां पर आ रहे हैं और उनका प्रभाव काफी ज्यादा, केवल बांग्लादेश ही नहीं और भी देशों में काफी बड़ा है। तो देखा ही जाएगा कि आने वाली सरकार जो अमेरिका की है, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है, वो क्या इसमें डिसीजन लेती है, किस प्रकार से एक्शन लेती है, किस प्रकार से आगे बढ़ती है। पर मैं एक बात और देख रहा हूँ कि भारत सरकार को भी बहुत बड़े एक्शन की तैयारी, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ पब्लिकली, जो मुझे महसूस हो रहा है चिटगांव में, हो सकता है कि कोई नया चेंजेस करने की बातें हों। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर हिंदुओं के साथ में एरोटिसिटीज होंगी तो भारत में इसकी प्रतिक्रियाएं बहुत उग्र होने लगेंगी। अभी देखिए, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, और अगर इस प्रकार की चीज़ आगे बढ़ती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो रशिया ने, अब बहुत सारी बातें हैं तो मैं बोलना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल, और इसमें चिंता का विषय है क्योंकि लोगों की जो मांग है वो बढ़ती चली जा रही है। जो हिंदू हैं वो खासकर गुस्से में हैं, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो भारत सरकार से उम्मीदवारी निगाहों से देख रहे हैं भारत की तरफ। जो भारत में हिंदू हैं वो ये चाहते हैं कि एक कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, और जो रोहिंग्या यहाँ पर आ रहे हैं आप उनको करिए ना बाहर। देखिए, क्या ना चेतन जी, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, कोई भी आके बैठ जाता है किसी भी देश के अंदर, उसको एक तो यहाँ पर आप देखिए एनआरसी नहीं होने दिया अब तक, एनआरसी होने के बाद वो चीज़ें होती, अब ये कैसे हम लोग पहचाने, कैसे डिसाइड करें कि ये जो है रोहिंग्या और ये आपका रोहिंग्या नहीं है। सबके पास में आधार कार्ड है, सबके पास में वोटर आईडीज हैं, ये बनाना कोई बड़ा बात भारत में है नहीं, एनआरसी ही समस्या का समाधान था जिसको होने नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही केंद्र, बहुत ही बड़ी चैलेंजेस हैं देश के सामने, और इन चैलेंजेस को अगर हम नहीं संभले तो ये एक बड़ा डिजास्टर भी हमारे लिए हो सकता है। और अगर ये जो बात मैं कई बार ये भी सुन रहा हूँ चेतन जी, कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू आ रहे हैं उनको आने दो, हमारा उनका भी देश आने दो, अरे आने तो मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं, नहीं आने दो, लेकिन ये बताइए वो पाकिस्तान जिसकी 25% आबादी थी 1947 में, और जो 36% हमसे लैंड लेकर गया पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों मिलाकर, तब भी अपनी जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा जमीन, अब तुम तो यही चाहते हो कि वहां सारे हिंदू खाली हो जाएं, हिंदू वहां से निकल जाएं, तो वहां पर फिर आपका, तो हमारे पास तो क्या होगा, जनसंख्या का बर्डन होगा ही होगा, ऑलरेडी हमारे पास जनसंख्या का बर्डन है, और आपके पास लैंड और भी जनसंख्या के हिसाब से और भी ज्यादा हो जाएगी। आपने तो अपना वो बना लिया कि जिस आधार पर आपने क्या बनाया था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे तो इस्लाम के, लेकिन अब चिंता का विषय ये है ना कि खासकर अगर हम हिंदू समुदाय के लिए ही बात करें, बाकी अल्पसंख्यकों के लिए बात करें, तो एशिया में और कौन सा देश है जो आवाज उठाएगा साउथ एशिया में? देखिए, एशिया में तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, यहाँ तो फैक्ट है कोई देश में, कम से कम साउथ एशिया में तो नहीं है। बात है कि बाहर के मुल्क इस पर कैसे देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रिटेन की संसद में जो मुद्दा है वो गूंजा है, वहां के सांसद जो है कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने इस बात को कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, हम इसको रोकने का काम करेंगे, ये तक कह दिया गया। ट्रंप बार बार इस बात को कहते रहे हैं, अब देखिए अमेरिका और ब्रिटेन इस बात को कह रहा है, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन भारत से उस तरीके की आवाजें अभी भी नहीं देखने को मिल रही है ना सुनाई दे रही है जो होनी चाहिए खासकर। और अगर भारत पुरजोर तरीके से साथ नहीं दे पाता है तो आगे क्या हालत होंगे? नहीं, देखिए क्या है कि ये भी बात आप जानिए कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है
वो चाहते हैं कि भारत ओपनली खुलकर बोले, और वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भारत जो है वो हिंदुओं के साथ खड़ा है, ना कि बांग्लादेश के मुस्लिमों के साथ। अब देखिए किसी भी देश के अंदर क्या होता है कि हर पार्टी का अपना एक कोर वोट बैंक होता है, वहां पे अवामी लीग का भी एक कोर तो वोट भारत बैंक में तो होता हमेशा माइनॉरिटीज की बात की ना, जो हमने सीए लागू किया वो माइनॉरिटीज के लिए। जी। नहीं लेकिन बात क्या है ना कि वही जो बात है ना, आप तो कह रहे हैं, हम मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन भारत में सीए का विरोध क्यों हुआ, उसको क्या कहा गया भारत के अंदर जो विरोध करने वाले थे, चाहे वो शाहीन भागे बैठे, सब जगह बैठे थे नहीं, कि भारत के अंदर वो तो क्या फैक्टर। था निपुण जी, वो तो क्या था वो सब जानते हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सीए का ना ना कोई नोटिफिकेशन आया ना कुछ आया, वो सीधी सीधी ये बात थी कि बच्चा हुआ नहीं और मुंडन की तैयारी उन लोगों ने कर ली थी और तमाम जो जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था। उसके बाद अब सीए नोटिफिकेशन जब लागू हुआ तब कोई हल्ला देखने को नहीं मिल रहा, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो जिन लोगों को जी बरगलाया गया था गलत तरीके से, सड़कों पर बिठाया गया, सड़कें जाम करवाई गई कोरोना के समय, वो तो अलग ही चीज थी ना, वो किसी को समझाया मैं ही नहीं गया था कहता असली चीज। देखिए क्या होता है, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो नैरेटिव का गेम होता है। अभी देखिए, अभी संबल हिंसा चल रही है, संबल संबल वायलेंस चल रहा है, पूरा एक मशीनरी है जो टारगेट कर रही है इस बात को कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे जो किया गलत किया है। एक मशीनरी पूरी ये कहने को तैयार नहीं है कि जो पत्थरबाजी की गई तो वो भी तो गलत थी। अगर पुलिस, चलो हम ये माने कि आप बैलेंस करने का कोशिश कर बिल्कुल रहे हो, तो बिल्कुल आप ये भी तो कहें कि पत्थरबाजी। और फिर जाहिर सी बात है, जब पुलिस को पत्थर मारोगे तो पुलिस को भाई डंडा दिया है तो इसलिए तो दिया है जिससे वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। आप शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास करती है तो आप पुलिस को ही एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करने लग जाते हो। पुलिस वाले को कहते हो कि पुलिस वाले गुंडे हैं, पुलिस वाले ये हैं। आप देखिए किस प्रकार के बयान, हमारी पार्लियामेंट में संबल का मुद्दा उठेगा लेकिन जो हिंदू बांग्लादेश में बिल्कुल यही हजारों यही बात, सैकड़ों हिंदू जो, बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल यही बात मैं भी उनके कह रहा साथ हूं भी कि जो होगा संभल वो का नहीं उठेगा। मुद्दा तमाम लोगों चीजों पर ट्वीट किए जा रहे हैं और बांग्लादेश के मुद्दे पर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? और क्योंकि वो जबकि दूसरे देश का बांग्लादेश, मुद्दा हो जाता है। नहीं, बैठ इतने चाहते दूसरा देश नहीं, मैं हमेशा कहता था कि बांग्लादेश 70 साल पहले तो हमारे साथ ही था ना, वो दूसरा देश कैसे हो जाएगा। और जो वहां पर हिंदू हैं उनकी तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली थी ना भाई, 70 साल पहले वो हमारे साथ थे, बिल्कुल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली थी। नहीं तो जिस कॉन्सेप्ट पे भारत के से बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया गया था, तो उस कॉन्सेप्ट पर अगर बात करेंगे तो फिर भारत में एक आबादी होनी नहीं चाहिए, फिर तो बस बात करेंगे। ये तो जब नेहरू लियाकत अली समझौता हुआ उससे ये तय हो गया कि जो माइनॉरिटीज जहाँ पर है वहां पर रहेगा और दोनों क्या करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। भारत ने तो अपने कमिटमेंट निभाए लेकिन वो लोग अपने कमिटमेंट नहीं निभाए। तो वो व्यक्ति जिसका बंटवारे में कोई रोल नहीं है, बंटवारा तो जिन्ना के सन की दिमाग की उपस्थिति, उस समय के जो रेडिकल कट्टरपंथी लोग थे उनके सन की दिमाग की उपस्थिति, बिल्कुल उनकी क्या गलती जो वहां पर रह गए, जिनको फिर बाद में नेहरू ने कहा, लियाकत ने कहा कि तुम रहो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। आज उनको तो आपने घर से बेघर कर दिया, उनकी क्या गलती है। तो ये कहना कि वो दूसरा देश है, दूसरा देश नहीं है भाई, ये 1947 की गलतियां हैं जो आज तक। और देखिए होता यह है कि खता लम्हों की भुगतना सदियों को पड़ता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो जो कभी बड़ों ने गलती की थी आज तक उसको हम भुगत रहे हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी है, ये सब बहुत बेकार की मैं बात तर्क मानता हूँ, इनका कोई लॉजिक नहीं है। भारत को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और निश्चित रूप से भारत जो है हिंदुओं के लिए एक नेचुरल प्लेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कम्युनिटी के लिए अपना एक देश होता है, उनको वहां पर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रश्न बस यही है कि जो वहां पर आपका 2 करोड़ के करीब जो माइनॉरिटीज है, हिंदू हैं, उन सबको अगर भारत में लाएंगे तो रिसोर्सिस पर तो बर्डन पड़ेगा ना। तो मैं तो ये मानता हूं कि 2 करोड़ पॉपुलेशन लेकिन आए लेकिन तो एक साथ एक में मेरा जमीन आखिरी भी सवाल आए, ये रहेगा, क्योंकि आम साथ में इंसान के जमीन मन भी में आए। जो लगातार बांग्लादेश से जुड़ी खबरें देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज पर, उनके मन में खासकर ये सवाल आता है निपुण जी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, भारत सरकार को हिंदू यहां पर लाने चाहिए, एक तो चलिए ये ठीक है, ये आपने बोला रिसोर्सेज कम है और तमाम चीजें, लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है नहीं कि नहीं चैनल में एक लाइन जोड़ दो उसमें, बयान जारी ना एक लाइन करके जोड़ दो। जो वहां की अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की सरकार, उसको तो कड़ी फटकार लगाई कि आप तुरंत रोकिए इन सब चीजों को। नहीं देखिए इसमें एक तो बात मैं कहूंगा कि अगर जनसंख्या आती है तो विद लैंड आए, जमीन के साथ है, मेरा ये सेंटेंस है कि आप लाए
2 करोड़ लोगों को लेकर आया, लेकिन जमीन के साथ चिड़काव वगैरह नहीं, सब लेकर आया, ये मुमकिन उसी को है नहीं है, ये अलग चीजें हैं। लेकिन अंतरिम नहीं, सरकार जो वहां की है मोहम्मद यूनिस की सरकार, उसको तो तगड़ी फटकार लगाई जा सकती है ना कि तुरंत रोकिए इसे, दबाव तो बनाया जा सकता है। नहीं देखिए, नहीं मुमकिन की बात तो ऐसी नहीं है। जब 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए तब भी ऐसा लगता था। हाँ। अब रशिया ने जो यूक्रेन के अंदर घुसकर कुर्स रीजन के अलावा जो आपका पूरा डोनबास रीजन पे कंट्रोल किया, क्रीमिया पे कंट्रोल किया, तो करना पड़ेगा। या तो आप बर्डन संभालिए अपने ऊपर, मैं तो कहता हूँ या तो बर्डन ले लीजिए अपने ऊपर। तो कई बार कुछ स्टिक होना पड़ता है, ऐसे नहीं। जब हम अपने कमिटमेंट निभा रहे हैं, नेहरू लियाकत अली समझौते को हम निभा रहे हैं, तो उनको भी निभाना चाहिए। नहीं निभा रहे तो थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। ये ऐसे बात, मतलब मेरा अपना व्यू है, मैं इस व्यू को मानता हूँ। और दूसरी बात रही बात की बांग्लादेश सरकार के अगेंस्ट सख्त रवैया, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच वाली स्थिति चल रही है। और मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से एक सख्त रवैया, एक कहना, इसको हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेटेजिकल टाइम पास करना। टाइम पास करने से मतलब कि हम वेट कर रहे हैं कि जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट आती है, क्योंकि सब जो किया धरा जो है ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही फ्लाईओवर रहता है। दैट्स द रियलिटी। पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान की ना इतनी औकात है कि वो इस तरह के मसले को हैंडल कर सके। तभी तभी आज तभी पुतिन ने ये कह दिया कि ट्रंप के आने तक बाइडन ना जाने और कौन सा बेड़ा गर्क कर देंगे और मुश्किलें खड़ी कर देंगे ट्रंप के लिए। ये ट्रंप के लिए भी खड़ी कर देंगे। अभी जो रशिया यूक्रेन चल रहा है उसमें जिस प्रकार का यूक्रेन को एकदम न्यूक्लियर वेपन देने वाली बातें कर रहे हैं, तो वो ऐसा करके जा रहे हैं सब चीजों को ताकि वो हैंडल ना कर पाए। और ये एक डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडन साहब ये हैं, इन बाइडन ने इस प्रकार की चीजें की हैं जो कई कई सालों तक प्रभावित करेंगी। और एक इस प्रकार का एक एनवायरमेंट साउथ एशिया का बना दिया है जिसको जूझने में काफी लंबा समय उनको लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार से जो मांगे की जा रही हैं, भारत सरकार इस पर क्या रुख अख्तियार करती है। और क्योंकि बयान तो विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए, वहां से भी बयान सामने आ गया कि भारत का जो आरोप है वो बेबुनियाद है, हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन जो मांग भारत सरकार से की जा रही है उसको जरूर जल्द से जल्द मानना होगा, क्योंकि वहां पर जो खौफनाक तस्वीरें और जो खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है बांग्लादेश से वो बहुत भयावह है। लोगों के घरों में घुसकर उनको मारा जा रहा है और खुलेआम काट डालने तक की जो ऐलान है वो कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो रूह कपा देने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बांग्लादेश से जुड़ी हर जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।